हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोस। दोस्तों, अगस्त के महीने में वैसे ही दो बड़ी फिल्में आ रही हैं। मतलब देखा जाए कि 11 अगस्त को वैसे ही दो बॉलीवुड के बड़े सितारे टक्कर ले रहे हैं और लोग भी इसी पर बातें कर रहे हैं। लेकिन अब कहानी में साउथ के सुपरस्टार विक्रम की एंट्री से त्रिकोण बन गया है। मतलब कि अब मामला आमने सामने का नहीं बल्कि अब ट्रायंगुलर बन चुका है। जी हाँ, 11 अगस्त को आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा और अक्षय कुमार की रक्षाबंधन रिलीज हो रही है। ये साल बॉलीवुड के लिए अच्छा नहीं रहा और साउथ के सिनेमा ने हिंदी फिल्मों को पीछे छोड़ छोड़ कर बॉक्स ऑफिस पर मोटी रकम कमाई है। ऐसे में जब अक्षय कुमार और आमिर खान दोनों ही जता रहे कि 11 अगस्त को टिकट खिड़की पर दोनों फिल्में चलेंगी, परंतु साउथ से विक्रम की फिल्म दोनों के सामने चुनौती बनकर खड़ी हो गई। आमिर और अक्षय की फिल्म के साथ साथ विक्रम की लॉन्ग अवेटेड फिल्म कोबरा भी टिकट खिड़की पर इसी दिन रिलीज होगी। देखा जाए तो अक्षय या फिर आमिर में से किसी की फिल्म कमजोर पड़ी तो सीधा फायदा कोबरा को मिल सकता है। साल के शुरू में रणवीर सिंह स्टारर 83 के कमजोर होने का फायदा अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म पुष्पा को मिली थी। अगर बात करें कि क्या है कोबरा, विक्रम की कोबरा एक एक्शन पैक्ड थ्रिलर फिल्म है। 2019 में फ्लोर पर गई ये फिल्म और अब पूरी हो चुकी है। नेशनल अवार्ड विजेता विक्रम की ये 58 फिल्म है। KGF में दिखे श्रीनिधि शेट्टी इस फिल्म में भी है। ये पैन इंडिया फिल्म तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी में एक साथ रिलीज होगी और ये देखना काफी रोचक होगा कि आमिर खान और अक्षय कुमार की फिल्मों के बीच विक्रम की फिल्म को नॉर्थ इंडिया में कितने थिएटर मिल पाएंगे। हिंदी के दर्शकों आई डायरेक्टर शंकर 2015 याद होगी। इस फिल्म ने नॉर्थ इंडिया में अच्छी कमाई की थी। इसके अलावा विक्रम की अनियन भी नॉर्थ इंडिया में खूब देखी गई। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि उत्तर भारत के दर्शकों में विक्रम की फैन फॉलोइंग नहीं है। कोबरा की रिलीज के सामने साउथ में आमिर और अक्षय दोनों की फिल्मों पर असर पड़ेगा, खास तौर पर हैदराबाद निजाम सर्किट में। ऐसा नहीं है कि बॉक्स ऑफिस पर आमिर और अक्षय की ये पहली टक्कर है। ये दोनों ही एक्टर 2007 में ऑलरेडी भिड़ चुके हैं। दोनों की फिल्मों ने अच्छी कलेक्शन की थी। एक तरफ जहां तारे जमीन पर थी, वहीं दूसरी तरफ अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम। आपको क्या लगता है क्या होगा बॉक्स ऑफिस पर तीन फिल्में एक ही दिन? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।